चिल्ड्रन हॉस्पिटल टोहाना की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना महामारी के समय आप अपने और अपने परिवार का सेफ्टी का ध्यान रखते हुए दिवाली इंजॉय करें और अपने सबका ध्यान रखें। साई चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर बच्चों की आधुनिक तकनीक और आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं और विशेष रूप से 7वां से और 8वां से बच्चों के लिए प्रबंध उपलब्ध हैं। एक बार फिर से आपके और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर हिंदू कन्या महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय भारतीय संस्कृति का विश्व को दीन रहा है, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य अनिता कुमारी ने की। प्राचार्य अनिता कुमारी ने बताया कि ये पहला अवसर है जब महाविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करवाया जा रहा है और इतिहास विभाग के इस प्रथम प्रयास में ही अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसमें 724 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 52 प्रतिभागियों ने पेपर प्रस्तुति दी। इस सेमिनार में फिलीपींस, मिस्र, सऊदी अरब, इराक, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। पेपर प्रस्तुति स्तर में डॉक्टर प्रेरणा और डॉक्टर नीलम रानी ने चेयरपर्सन की भूमिका अदा की। सेमिनार के संयोजिका इतिहास विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर रश्मि ने अपने विचार रखे व सेमिनार के वक्ताओं का विस्तार से परिचय करवाया। मुख्य वक्ता विश्वविद्यालय पोलैंड वॉर्सो प्रोफेसर सुधांशु कुमार ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को दिशा दी है, भारत की जो विविधता है यही भारत की जान है। उनके बाद मुख्य अतिथि सोफिया विश्वविद्यालय बुल्गारिया से डॉक्टर आनंद वर्धन ने कहा कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और साहित्य का प्रचार प्रसार देखने योग्य है। हिंदी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर सुधा मल्होत्रा ने इन सभी विद्वानों का आभार जताया। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, आरएमसी राजस्थान मेडिकल सेंटर के परिवार की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एवं मैं जानकारी देता हूं, आरएमसी में 1.5 टेस्ला एमआरआई लगा दी गई है एवं इसकी सुविधाएं जल्दी ही जनसाधारण को उपलब्ध हो जाएंगी, आप इसकी सेवाएं ले पाएंगे। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये सेमिनार हमारा इंटरनेशनल कॉलेज का पहला सेमिनार है और हमारे कॉलेज के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस अवसर को भी हमने ध्यान में रखा। ये इंटरनेशनल सेमिनार जो आयोजित किया गया है, इसकी परमिशन हमें सौजन्य से हमारा हरियाणा उच्चतर शिक्षा निदेशालय से मिली थी और हमारा इतिहास विभाग और ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस हमारे सेमिनार का विषय था भारतीय संस्कृति की विश्व को देन। आज के हमारे जो सेमिनार है, इसमें 724 हमारे महाविद्यालय भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों पर और उसके बल दिया जाता है। हमारी 150 लोगों ने कोशिश करी है अपने हमारी छात्र प्रेजेंट किया संस्कृति के हमारे जीवन मूल्यों को अपने जीवन में। हमने सुबह 9 से 11 बजे तक प्रेजेंटेशन का सेशन रखा जीवन में, जिसमें 52 लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन से डील करना सीखा। उसके बाद समय की कमी की वजह से सेमिनार है, इसमें 724 लोगों ने अपना मेल आईडी पे उनकी वीडियो प्रेजेंटेशन की बनाकर उसके हमने 150 लोगों ने अपनी सहमति अपना पेपर हमें प्रेजेंट किया, सबको पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। तो हमारा ये जो पहला प्रयास था इंटरनेशनल सेमिनार का, ये हमारे लिए एक सफल आयोजन रहा है। मैं डॉक्टर दीपांश भाटिया सभी शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि इस टाइम पे सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उससे बचें, मास्क दोनों चीज़ों के लिए, पोल्यूशन से बचाव के लिए भी और जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसके बचाव के लिए मास्क डाल के रखें और अपना सेहत का ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा।